अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि ये शख्स यानी विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण हासिल था। मगर इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरों पर गौर करना पड़ेगा। आपके सामने अनंत देव तिवारी, ये वो शख्स है जो उस स्पेशल टास्क फोर्स का मुखिया है जो कि विकास दुबे मामले की जांच करेंगे और इस पर पड़ताल करेंगे। मगर उससे पहले आपको इस खत पर गौर करना पड़ेगा जो लिखा था स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा। वो देवेंद्र मिश्रा, वो पुलिस कर्मी जिसे विकास दुबे ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। देवेंद्र मिश्रा ने थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के चाल चलन पर सवाल उठाया था और अनंत देव तिवारी को एक खत भी लिखा था, मगर ऐसा लगता है कि अनंत देव तिवारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। खत में उन्होंने लिखा था, इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना और वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन ना किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थाना अध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने और अब तक कोई भी कार्रवाई न करने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। यानी कि ये शख्स देवेंद्र मिश्रा इस बात की चेतावनी दे चुके थे कि कोई बहुत बड़ी गंभीर घटना हो सकती थी और नतीजा आपके सामने है। थाने से किसी ने विनय दुबे को वक्त में चेताया, नतीजा 8 पुलिस कर्मियों की शहादत। और अब यह बात भी सामने उभर कर आ रही है कि अनंत देव तिवारी ने उनके खत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। बड़ा प्रश्न यहां पर कि क्या गैंगस्टर विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण हासिल था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। कितनी बेरहम है ना सत्ता, कितना दो मुहा, कितने दोहरे मापदंड है ना हमारे समाज के। ये गैंगस्टर योगी आदित्यनाथ के रामराज में दोगुने से चौगुना ताकतवर हो जाता है। 2001 से अब तक ये लगातार राजनेताओं की गोद में बैठा रहता है, मगर इसे आतंकवादी कोई करार नहीं देता। इस पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया जाता। और ये शख्स डॉक्टर कफील खान अगर आज बाहर होते तो कुछ गरीबों की मदद कर देते, कुछ बीमारों की मदद कर देते, मगर ये महीनों से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में सड़ रहे हैं। विकास दुबे एक बार फिर हमारे समाज की जो अंदरूनी बदनुमा चेहरा है उसे उजागर कर रहा है। मगर सबसे पहले आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और तथ्य चौंकाने वाले हैं। विकास दुबे गैंगस्टर वाले मामले में वो शख्स जिसने हमारे 8 पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया, क्या आप जानते हैं कि ABP न्यूज की इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया है। एबीपी न्यूज इसमें कहता है, एबीपी न्यूज पर विकास दुबे का कबूलनामा, कैसे बीजेपी नेता उसे संकट से बचाते थे और वो उनके लिए वोट का जुगाड़ करता रहता था। आज ये सवाल हम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्र में भी सत्ता में है। क्या यह हकीकत है और यह कबूलनामा यह शख्स एबीपी न्यूज को दे रहा है? आखिर क्या जवाब है योगी आदित्यनाथ सरकार के पास इस बात का? उन्होंने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से निकाला जाए। गलत है, ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय खड्यंत्र में बाद में पढ़ाया गया था, तीसरी फर्म में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई थी।
नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई? बात यहाँ नहीं रुकती। इसका साथी है दयाशंकर अग्निहोत्री, इसका इंटरव्यू देखिए। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर बता रहा है कि उसे यानी कि विकास दुबे को पुलिस से खबर मिली थी कि पुलिस जो है उसके घर की तरफ बढ़ रही है, और उसके बाद उसने पूरी तैयारी की। रूफटॉप्स पर उसके बंदूकबाज पहुंच गए और मौत के घाट उसने 8 पुलिस कर्मियों को उतार दिया। सुनिए इस शख्स की बात। तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई उसने? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है। हाँ। तो वहीं बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो नहीं बता सकते। फोन कर करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? थाने से। अब आपके सामने ये गाड़ी, इस गाड़ी का नंबर है UP32GL9252। इसमें लिखा हुआ है संघ परिवार। अब जो जांच सामने उभर कर आ रही है उसके मुताबिक ये गाड़ी जो कि अमित दुबे नाम के शख्स के नाम पर है, संभवतः विकास दुबे ने इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया भागने के लिए। क्या इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे कि आखिर यह संघ परिवार इसमें क्यों लिखा हुआ है, यह अमित दुबे कौन है? क्योंकि जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि एबीपी न्यूज की खबर बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करता था और वोट जुगाड़ता था, और इसी तरह से उसे संरक्षण मिल रहा था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जब आपने 100 दिन पूरे किए थे योगी जी, तब आपने क्या वादा किया था, वो वादा जो आपके स्क्रीन पर है कि माफिया मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। मगर माफिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में। क्या ये सवाल आपके सामने उठने नहीं चाहिए? बात यहां नहीं रुकती। यहां देखिए, ये पत्रकार हैं ब्रजेश मिश्र भारत समाचार के। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में विकास दुबे का कोई इंटरव्यू लगाया है, आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये शख्स यहां पर साफ तौर पर कह रहा है कि मैं लोगों की चुनाव में मदद करता था, चाहे विद्यार्थी चुनाव हो या फिर आम राजनीतिक चुनाव। इस तरह का रसूख था इस शख्स का। क्या यहां पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि यह आदमी इस कदर ताकतवर कैसे था? आपकी स्क्रीन पर यह है जनसत्ता की खबर। जनसत्ता की खबर में यह तस्वीर जो है वो छापी गई है, और इसमें विकास दुबे कथित तौर पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ दिख रहा है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई सेल्फी तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सेल्फी कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। मगर यह सवाल यहां पर उठना इसलिए जरूरी है कि जैसे कि एबीपी न्यूज की रिपोर्ट ने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि किस तरह से विकास दुबे जो है उसका सीधा लिंक था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। क्योंकि क्या यह माना जाए कि थाने का SO SHO जिसे सस्पेंड कर दिया गया था, क्या उसी की जानकारी के तहत विकास दुबे को पता चला कि पुलिस दबिश डालने आने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे राजनीतिक सरपरस्ती थी? रिटायर्ड IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, जिन पर हाल ही में इस वक्त एक केस कर दिया गया था, उन्होंने इस तस्वीर के बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? अब क्या कानून मंत्री के ऊपर मुकदमा करवाएंगे योगी सरकार? क्या उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जाएगा? मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर एक सवाल पूछने पर मुकदमा करने वाले अब कहां गए? एक मंत्री को बचाने के लिए अब पूरी मीडिया लग गई है। क्या विकास दुबे को भाजपा का खुला संरक्षण है? सूर्य प्रताप सिंह यहां पर कड़े तेवर अपनाते हुए, क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? बात यहां नहीं रुकती है। आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं दैनिक जागरण की खबर, और इस खबर का शीर्षक बहुत ही सनसनीखेज है। यह खबर यह बोलती है कि थानेदार को पीटकर 24 घंटे पहले ही दे दी थी चुनौती विकास दुबे ने। 1 जुलाई को शिकायतकर्ता को पीटा था, चौबेपुर थाना प्रभारी पहुंचे तो उनसे भी मार पीट कर मोबाइल छीन लिया था।
और खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बिकरू कांड केवल पुलिस दबिश का परिणाम नहीं है बल्कि इसकी पटकथा वारदात के 24 घंटे पहले ही लिख दी गई थी। विकास दुबे ने खुली चुनौती देते हुए एक दिन पहले पुलिस के सामने न केवल शिकायतकर्ता मोहिनी नेवादा निवासी राहुल तिवारी को पीटा था बल्कि चौबेपुर थाना प्रभारी विनय कुमार ने विरोध की कोशिश की तो उनसे भी मारपीट कर मोबाइल छीन लिया गया था। थाना प्रभारी ये बात छिपा गए लेकिन घटनाक्रम कुछ यूं घूमा कि पुलिस दूसरे दिन विकास के घर दबिश देने पहुंच गई और विकास के गुर्गे बिना सुरक्षा इंतजामों के पहुंची पुलिस टीम पर टूट पड़े और नतीजा आप जानते हैं। आज ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जिस शख्स ने साल 2001 में भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की उस पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के शुरू से ही दबिश क्यों नहीं डाली गई, शुरू से ही इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर शुरू से ही विकास दुबे इस तरह से फल फूल क्यों रहा था, क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा साल 2001। आपके सामने यह खबर है अमर उजाला की और यह खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसका शीर्षक है भाजपा की गुटबाजी ने और बढ़ाया विकास दुबे को, यानी कि विकास दुबे की ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा विकास दुबे का इस्तेमाल कर रहा था दूसरे खेमे के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए। अब मैं आपको यह खबर का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पिछले एक साल में संगठन के आधा दर्जन नेताओं कार्यकर्ताओं की बेरहमी से की गई हत्याओं के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की अनगिनत वारदातों ने कार्यकर्ताओं का संगठन के ऊपर से विश्वास उठा दिया है। पूरा संगठन श्यामा बिहारी मिश्र और प्रेमलता कटियार के खेमों में बटा हुआ है। विकास दुबे को भाजपाइयों पर कहर ढाने में भी पर्दे के पीछे भाजपा के बड़े नेताओं का ही हाथ है। सुना आपने, विकास दुबे के पीछे भाजपा के बड़े नेताओं का हाथ है। और ये बड़े नेता कौन हैं? इस खबर के मुताबिक प्रेम लता कटियार के बेटे की चुनाव में जीतने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि इस गैंगस्टर विकास दुबे ने की थी। मगर हम कैसे भूल सकते हैं कि 2001 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की निर्मम हत्या, वो भी थाने के अंदर पहुंच के 25 प्रत्यक्ष गवाहों की मौजूदगी में इसने हत्या कर दी थी और बाद में उससे वो बरी हो जाता है क्योंकि जो 25 के 25 गवाह हैं वो पलट जाते हैं। मगर सवाल यह भी किया जा सकता है कि ऐसा गैंगस्टर इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस तस्वीर के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं कि विकास दुबे की जो पत्नी है वो एक चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत की और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो किसकी टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं या किसकी किसके समर्थन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पर यहां आप समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव को देख सकते हैं और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी देख सकते हैं। यानी कि इस शख्स को पता था किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से बचे रहना है। मगर भारतीय जनता पार्टी का अपराध इसलिए अक्षम्य है, उनकी भूल इसलिए ना काबिले माफी है क्योंकि इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को मौत के घाट उतार दिया था साल 2001 में। और पिछले 3 सालों में हमें वादा किया था कि प्रदेश जो है वो माफिया मुक्त हो जाएगा। माफिया तो मारे जाते रहे मगर ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता समर्थक माफिया थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। आज मैं आपको दास्तान सुनाना चाहूंगा इस शख्स की। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर इतिहास का सबसे खूंखार गैंगस्टर। इस शख्स को हर तरफ से राजनीतिक सरपरस्ती मिलती रही। जब इसे भागना होता था एक राज्य से दूसरे राज्य तो सिर्फ ये एक फोन खंगालता था, खड़खड़ाता था और आसानी से दूसरे राज्य की पुलिस उसे राज्य में प्रवेश करने देती थी। क्यों? क्योंकि तमाम राजनेताओं की नब्ज उसके हाथ में थी, तमाम राजनेताओं के गंदे काम ये शख्स श्री प्रकाश शुक्ल करता था। यह आदमी इस कदर ताकत में अंधा हो गया था कि वो लोगों को बेरहमी से मार देता था।
बिहार में जाकर उसने वहां के एक मंत्री को भी मौत के घाट उतार दिया था। उसी तरह से लखनऊ में दिन दहाड़े उसने राजनेताओं को मौत के घाट उतार दिया और उसने अति तब कर दी जब उसने इस शख्स यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक की सुपारी ले ली। बताया जाता है कि उसने करीब 6 करोड़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ली थी। उस मामले को दबा क्यों दिया गया? क्या पुलिस अगर थोड़ी तहकीकात करती तो क्या जड़ तक नहीं पहुंच सकती थी? क्योंकि मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री का था, तो आखिर क्यों खामोशी साध गई भारतीय जनता पार्टी? आप जानते हैं कुछ पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने एक चर्चा देखी। कुछ लोग अप्रत्यक्ष तौर पर विकास दुबे का समर्थन इस तरह से कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि क्या जरूरत थी उनके बंगले को तोड़ने की, क्योंकि विकास दुबे के माता पिता तो गैंगस्टर नहीं है, तो क्या जरूरत थी आपके बंगले को तोड़ने की, बताइए। वो ये भी कह रहे थे कि विकास दुबे की जाति को सामने लाने की क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं कि तुम किस तरह से तबलीगी जमात के बहाने पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट करते हो, पूरी मुस्लिम कौम को बॉयकॉट करने की मांग करते हो। और आप जानते हैं विकास दुबे मामले में भी दो रसूख वाली जातियों जो कि फॉरवर्ड कास्ट्स हैं, उन दोनों में द्वंद शुरू हो गया है। दोनों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देखिए, फेसबुक में देखिए, आपस में बहस शुरू हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था इस घटना ने हमारे अंदर के बदनुमा चेहरे को उजागर किया है। कोई ये नहीं देख रहा है कि इस गैंगस्टर ने हमारे 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर दी और डीएसपी की तो इस कदर हत्या की गई जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी करते हैं, पांव काट के, कुल्हाड़ी से छाती पर वार करके। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे के साथ हमदर्दी रखते हैं, मगर फिर किसी एक आतंकवादी के चलते या किसी एक अपराधी के चलते फिर ये पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करते हैं। मुझे खुशी है कि चाहे कोरोना संकट हो, चाहे चीन ने जिस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, या फिर ये विकास दुबे प्रकरण, इस सब ने हमें बताया है कि हम भारतीय अंदर से किस कदर बदसूरत हैं। ये सब हमको आईना दिखा रहा है। इस आईने को देख के हम खुद में सुधार कर सकते हैं, यकीनन सुधार कर सकते हैं, मगर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद आप लोगों से नहीं है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई शो आए सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।